हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ग्रीन टी एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और ग्रीन टी के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हमें बताए जाते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली सही में ग्रीन टी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है जितने बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं? सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रीन टी के उन साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में जिसके ऊपर स्टडी हो चुकी है, जिसके ऊपर रिसर्च हो चुका है, और वो कौन कौन सी बीमारियों के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और किस तरह से इस ग्रीन टी को लिया जाना चाहिए, और कौन सी ऐसी ग्रीन टी है जो हमें अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए। यही सब कुछ है आज के इस वीडियो का एजेंडा। सो अगर आप भी ग्रीन टी को अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ले रहे हैं, तो क्या आपके लेने का तरीका सही है, या जिस उम्मीद के साथ आप उसे ले रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको वो ग्रीन टी देगी या नहीं देगी, अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम ग्रीन टी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे ध्यान में आती है वो ये कि हमारे वजन को कम करने में हमारी मदद करती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आप वजन कम करने के लिए जो ग्रीन टी को लेने का सही तरीका है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो डेफिनेटली ये वजन कम करने की बजाय आपका वजन बढ़ा देगी। सो बहुत जरूरी है वजन को कम करने के लिए सही तरीके से ग्रीन टी को लेना, जिसे हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जो ग्रीन टी एक्चुअली हमें देती है और जिसके लिए साइंटिफिक एविडेंस जो है, मतलब कि जो वैज्ञानिक प्रमाण जो है वो उपलब्ध है। तो सबसे पहला जो ग्रीन टी का बेनिफिट आता है दोस्तों, वो आता है कि ग्रीन टी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड है। मतलब कि ग्रीन टी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करके उनके द्वारा जो बीमारियां हमारे शरीर को होती हैं उन सबको खत्म करने में ग्रीन टी हमारी मदद करती है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। तो हमारे शरीर की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि खाने को पचाना, हंसना, बोलना, देखना, रोना, या जो भी शरीर के अंदर चल रहा है जो हमें बाहर नहीं दिखाई देता, इन सब प्रक्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जिनकी कि हमारे शरीर में जरूरत नहीं होती है, और बिना जरूरत के बनने वाले ये मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। अब क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, तो ये शरीर को बहुत तेजी से बूढ़ा करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं तो आपका शरीर समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, और इन्हीं फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत होती है इनको पकड़ने वाले कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स की जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स ग्रीन टी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये आपको बुढ़ापे से रोक करके रखता है, आपके शरीर में समय से पहले जो आने वाला बुढ़ापा है उसको ये कंट्रोल करके रखता है। दूसरा जो बेनिफिट आता है दोस्तों ग्रीन टी का, वो ये कि आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। मतलब कि आपके शरीर के अंदर जो खाना आप डालते हो उस खाने को तेजी से ये पचाने में मदद करता है, जिससे उससे बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। तो आपके शरीर में अगर वीकनेस रहती है, आपका शरीर थका थका रहता है, थोड़ा सा काम करने के बाद आप अपने आप को ज्यादा टायर्ड महसूस करते हो, तो इन सब में भी ग्रीन टी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। नंबर तीन जो बेनिफिट आता है दोस्तों, वो आता है कि ये थायराइड को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। अगर आपके शरीर में हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, आपके शरीर के अंदर T3, T4, TSH किसी भी हार्मोन का डिस्टरबेंस हो, इन सब में ही ग्रीन टी आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। और अगर आप एक मेल है या एक फीमेल है जो 18 साल से ऊपर है और आपको थायराइड है, तो ग्रीन टी आपको जरूर शामिल अपने रूटीन में करना चाहिए। नंबर चार जो दोस्तों बेनिफिट आता है वो ये कि ये आपके जॉइंट पेन को कम करने में आपकी मदद करती है। कैलिफोर्निया के अंदर एक रिसर्च हुआ जिसके अंदर लगभग 728 लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया।
आधे लोगों को ग्रीन टी को दिन में 3 बार दिया गया और आधे लोगों को नहीं दिया गया। तो वो लोग जिनको ग्रीन टी दिया गया था, उन लोगों ने 3 महीने के बाद ये बताया कि उनके जो जोड़ों का दर्द था, उनकी जो कमर का दर्द था, उनको जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और शियाटिका का जो पेन होता था, उसके अंदर उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। सो अगर आपको भी लगता है कि आपको जॉइंट पेन रहता है, आपको अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है और साथ के साथ में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और शियाटिका की प्रॉब्लम है, तो ग्रीन टी आपको अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है दोस्तों ग्रीन टी का, वो आता है आपकी डायबिटीज के लिए। आपके डायबिटीज के होने के पीछे रीजन होता है आपके पैनक्रियास का प्रॉपरली काम नहीं करना। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके पैनक्रियास प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, सो ग्रीन टी के 2 प्याले आपको रोज अपने रूटीन में शामिल करने चाहिए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करके देते हैं आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में और आपके पैनक्रियास को रेगुलेट करके इंसुलिन की जो मात्रा हमारे शरीर के लिए जरूरी है उसको सीक्रेट करने में। अगर आप अंडरवेट हैं तो भी ग्रीन टी आपको बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि ग्रीन टी जो है आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी भूख लगती है और अगर आप बार बार खाना खाते हैं तो आपका कैलोरी इनटेक बढ़ता है और इस कैलोरी इनटेक की वजह से आपको वेट गेन करने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। नंबर नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है दोस्तों ग्रीन टी का, वो आता है ये आपकी स्किन के ऊपर जो एंटी एजिंग रिजल्ट्स हैं उसे देने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप 35 प्लस हैं या आप 40 प्लस हैं और आपको लगता है कि आपके चेहरे पर जो एजिंग के साइंस हैं वो अब नजर आने लगे हैं, तो डेफिनेटली आपको जल्दी ही अपने रूटीन में ग्रीन टी को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर जो एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं ये आपके शरीर के अंदर जाकर के आपके शरीर की जो एजिंग प्रोसेस है उसे डिले करते हैं और सबसे बड़ी बात कि इसकी वजह से आपके शरीर में कॉलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है, इलास्टिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और आपकी स्किन के ऊपर एंटी एजिंग रिजल्ट्स भी आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बालों के अंदर चमक नहीं है, आपके बाल जो हैं वो बेजान हो गए हैं, बालों में फ्रीजीनेस आ गई है या बालों में रूखापन आ गया है, तो भी ये 2 प्याले ग्रीन टी के अगर आप रोज शामिल करते हैं तो आपको जरूर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आपके बालों को हेल्दी बनाने में। अब सवाल आता है कि ग्रीन टी हमें क्या नॉर्मल जो खुली पत्तियों वाली आनी चाहिए वो लेनी चाहिए या हमें जो डिप वाली जो पाउच में आती है वो लेनी चाहिए। सो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको खुली पत्तियों वाली ग्रीन टी लेनी चाहिए। उससे आप देख सकते हो कि जो ग्रीन टी आप इस्तेमाल कर रहे हो एग्जैक्टली उसकी क्या क्वालिटी है। बहुत बार हम जो पाउचेस यूज करते हैं, जो डिप पाउचेस यूज होते हैं, उनके अंदर क्या चूरा भरा होता है या कोई कलर भरा होता है ग्रीन टी का हमें पता ही नहीं चलता। हमें फ्लेवर तो आ रहा होता है, हमें टेस्ट तो आ रहा होता है, लेकिन एग्जैक्टली वो हमारे शरीर के लिए कितना काम करेगा यह हमें नहीं पता होता है। और इसी चीज को ध्यान में रख करके मैंने अपना जो खुद का ब्रांड है लविशा इन ऑर्गेनिक्स, उसके अंदर आप सभी के लिए ऑर्गेनिक ग्रीन टी लॉन्च की है। ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी पूरी तरह से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ आपको मिलती है और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर जो पत्तियां आपको मिलती हैं वो कोई भी पत्तियों का चूरा नहीं है, बल्कि साबुत सूखी हुई ग्रीन टी की पत्तियां आपको मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको इसके अंदर जो फ्लेविनॉइड्स होते हैं वो 100% बिना किसी अडल्ट्रेशन के मिलते हैं और आपको इसकी क्वालिटी को देख करके बहुत ही ज्यादा मजा आ जाने वाला है। अब पत्तियों के साथ अगर आपको ग्रीन टी बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप जितनी भी ग्रीन टी बनाना चाहते हैं उतना आप पानी को गर्म कर लें, पानी को अच्छे से उबाल लें। उबालने के बाद में आप इसके गैस को बंद कर दें और बंद गैस करने के बाद 1 कप ग्रीन टी के लिए आप इसमें से 1/4 चम्मच जो ग्रीन टी की पत्तियां हैं वो डाल करके उसे ढक्कन लगा करके रख दीजिए। अगर आप 2 कप बना रहे हैं तो 1/2 चम्मच, 4 कप बना रहे हैं तो 1 चम्मच और इसी तरह से आप प्रोपोर्शनेटली बढ़ाते चले जाएंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इस गर्म पानी के अंदर ग्रीन टी की जो पत्तियां हैं उनको भिगो करके रख दीजिए, ढक्कन लगा के रख दीजिए। 5 मिनट के अंदर जो ग्रीन टी के जो फ्लेविनॉइड्स हैं वो इस पानी में चले जाएंगे। अब आप इसे अच्छे से छानिए और अगर आपको टेस्टी इसको बनाना है थोड़ा और तो आप इसके अंदर शहद ऐड कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आप डायबिटिक नहीं होने चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप शहद की जगह पर स्टीविया लीव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर शुगर फ्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये तरीका है ग्रीन टी को बनाने का।
अब बात आती है ग्रीन टी को लेना कैसे है। तो अगर आप ग्रीन टी को खाली पेट लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रीन टी है वो एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर भी है। और ये डिटॉक्सिफायर आपके शरीर में जब खाली पेट में चला जाता है तो आपकी आंतों में थोड़ी सी गर्मी की वजह से एसिडिटी पैदा कर सकता है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस एसिडिटी से बचने के लिए इसे खाली पेट ना लें। अब बात आती है इसे लेने का सही समय क्या है। तो इसे लेने का सही समय है कि आप ब्रेकफास्ट के समय लें इसे, या फिर रात को या शाम को जब आप स्नैकिंग करते हैं, जब आप लंच और डिनर के बीच में कुछ स्नैक्स लेते हैं, उस समय पर आप इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसे खाली पेट लेते हैं तो एसिडिटी के साथ साथ आपको ब्लोटिंग की कंप्लेंट भी हो सकती है। वो लोग जो कि मोटे हैं वो इसे खाने से लगभग 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले लें, उससे वो कम खाना खाते हैं जिससे कि उनका वेट कंट्रोल करने में उन्हें मदद मिलती है। लेकिन अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं ग्रीन टी की मदद से, तो खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी लेनी चाहिए, जिससे कि आपका जो खाना है वो बहुत तेजी से डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब ये खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो आप बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली खाना शुरू कर दोगे, जिससे कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, लविशा इन ऑर्गेनिक्स की इस ग्रीन टी लीव्स को परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। आप इसे जाकर के एक बार जरूर परचेज कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए। मेरा खुद का प्रोडक्ट है तो मैं 100% क्वालिटी के लिए अश्योर्ड हूं कि आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इससे मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।